नगर निगम की टीम ने आईटीए की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन और निगम की टीम ने मिलकर करीब 7 दुकान और मकानों को तोड़ा। इंदौर नगर निगम की टीम ने आज एमाट्रन पर इंदौर विकास प्राधिकरण की 5000 फीट जमीन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की। करोड़ों रुपए की कीमत रखने वाली इस जमीन पर कब्जा कर 6 दुकानें बना ली गई थी, जिसके बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान एसडीएम रवीश श्रीवास्तव और आईटीए अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। निगम की कार्रवाई के दौरान कब्जाधारियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के आगे किसी की भी नहीं चली और दुकानों को खाली करना पड़ा। सर, तो उससे अगर व्यक्ति बायस नेचर बायस वो जजमेंट देगा तो कैसे कैसे होगा? ऐसा कैसे दे सकता है यार? सिविल सूट लगा रखा है ना, आप सिविल सूट में कर इंजीनियर ने नफ्ती करी है सर? उन्होंने नहीं करी सर, 2003 की नफ्ती लेके चल रहे वो आज भी वो भी है। वो मैं तो बोल दे रहा सबको, आप नहीं 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 आप गलत कैसे बोल देंगे? वो आईडी अलग है, वो अलग बॉडी, वो अलग बॉडी, आप नफ्ती करा लीजिए ना पहले। आप बोल वो अमान्य के लिए मैंने चैलेंज किया मैंने चैलेंज किया हूँ इन्फॉर्मेशन मिली है और उसमें कुछ 6-7 लोगों के इंक्रोचमेंट है। हाँ, तो आईडीए के लेवल पे इनको प्रॉपर सुना गया और सुनने के बाद इनको हटाने के आदेश किए गए हैं। अलग अलग कोर्ट्स में भी शायद इसके प्रकरण चल रहे हैं, बट जो आईडीए का आदेश निर्देश हटाने का है इसके अगेंस्ट अभी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं है। वहीं आईटीए अधिकारी के मुताबिक आईटीए की जमीन से अतिक्रमण हटाने की विधिवत कार्रवाई की गई है, जो प्रशासन और निगम के अमले द्वारा की जा रही है। ये आईटीए के योजना क्रमांक 53 की लैंड है और इसमें 7 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। करीब 5000 स्क्वायर फीट की लैंड है ये। इसको विधिवत सुनवाई के पश्चात सीओ साहब ने वैधिक लेने का आदेश भी किया था और कई किसी भी न्यायालय से इनको कोई सहायता मिली नहीं है। माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष भी इसकी शिकायत हुई थी और प्रशासन के सहयोग से आज इसको हम लोग हटाने के लिए आए हैं। इसमें प्रशासन की टीम है, एसडीएम साहब हैं, नगर निगम के पूरा रिमूवल अमला है, पुलिस की टीम है और हम लोग आईडी से आए हैं। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। कुल मिलाकर मामले में कोर्ट से मकान मालिकों को कोई राहत नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।